जियो एयर फाइबर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जियो एयर फाइबर में आपको कौन कौन से डिवाइसेस मिलते हैं और उनकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले छत से, जहां पर जियो एयर फाइबर का आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। यह डिवाइस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है मेरे घर की छत पे, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 5G रेंज को कैच करता है। यहाँ पे ये डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है जिसका मुंह जो है वो टावर की तरफ कर दिया जाता है। इसमें एक जियो की सिम लगती है जो स्पेशली एयर फाइबर के लिए होती है। जियो की सिम लगने के बाद में इसको यहाँ पे बिल्कुल फिट कर दिया जाता है। आइए अब नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके राउटर की इंस्टॉलेशन। ये जो केबल आप देख रहे हैं ये उस एंटीना से आई हुई है, ठीक है, POE जो लिखा हुआ है। अब इसका जो जियो एयर फाइबर का जो चार्जर है वो अपने आप में खास है। ये एक चार्जर ये बाहर का जो आउटडोर यूनिट है उसको भी पावर देता है और साथ ही साथ में ये जो राउटर है इसको भी पावर देता है। ये देखिए इसको बिजली में कनेक्ट किया हुआ है और ये जो कनेक्शन है ये आउटडोर यूनिट को पावर देने के लिए है, साथ ही साथ में उससे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार लैन पोर्ट मिलते हैं आउटपुट के लिए। ये एक लैन पोर्ट है इनपुट के लिए। ये एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए एक सॉकेट दिया हुआ है जहाँ पे आप यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं स्टोरेज के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक रीसेट का बटन है। राउटर को कभी भी आपको रीसेट करना तो इसमें पिन लगा के आप रीसेट कर सकते हैं।